हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माय चैनल चारू फैशन आरा इन टूडेज वीडियो वी विल टॉक अबाउट द की कॉन्सेप्ट्स ऑफ फैशन फैशन मे बी अंडरस्टूड एज अ स्टाइल दैट इज़ पॉपुलर इन द प्रेजेंट और अ सेट ऑफ ट्रेंड्स दैट हैव बीन एक्सेप्टेड बाय द लार्जर सोसाइटी फैशन को एक ऐसे स्टाइल के रूप में समझा जा सकता है जो प्रजेंट में पॉपुलर हो या सेट ऑफ ट्रेंड्स जो कि सोसाइटी के एक लार्जर ग्रुप द्वारा एक्सेप्टेड हो स्टाइल में रिफर्स टू दी पर्सनल स्टाइल स्टेटमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल अ पर्सन में लाइक टू ड्रेस इन अ पर्टिकुलर वे इेस्पेक्टिव ऑफ वेदर इट इज़ इन और आउट स्टाइल का मतलब होता है किसी भी व्यक्ति का व्यक्तिगत स्टाइल स्टेटमेंट जिस तरीके से वो अपने आप को एक्सप्रेस करता है यानी जिस तरीके के कपड़े पहन के वो अपने आप को एक्सप्रेस करता है वो उसका पर्सनल स्टाइल स्टेटमेंट होता है चाहे वो पर्टिकुलर स्टाइल फैशन में हो चाहे ना हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता जिस तरीके से एक व्यक्ति अपने कपड़ों के एसेसरीज और हेयर स्टाइल के माध्यम से खुद को एक्सप्रेस करता है वो उसका पर्सनल स्टाइल होता है नाउ द क्वेश्चन अराइजेस वॉट इज द डिफरेंस बिटवीन स्टाइल एंड फैशन स्टाइल मीन्स समथिंग दैट बिलोंग्स टू एन इंडिविजुअल अ मीन्स ऑफ सेल्फ एक्सप्रेशन ऑन द अदर हैंड फैशन हैज़ टू डू विद ग्लोबल ट्रेंड्स एंड द बिजनेस ऑफ फैशन वर्ल्ड फॉर एग्जाम्पल On the catwalk, a model is a part of fashion world. The way they dress at home is their personal style. Avant-garde clothes are the most daring and wild designs. They are too unconventional and startling to be considered fashion of the times. Most feature of these garments disappear after a few years. Avant-garde is French term. Avant-garde clothes experimental or unusual ideas hote इसकी डिज़ाइंस बहुत ज़्यादा डेरिंग और वाइल्ड होती है ये उस समय के लिए फ़ैशन माने जाने के लिए बहुत ज़्यादा अनकन्वेंशनल और चौंकाने वाले होते हैं इन कपड़ों के बहुत से फीचर्स कुछ समय बाद गायब हो जाते हैं इसका एम है कि एक्सपेरिमेंटल और इनोवेटिव डिज़ाइन से फैशन के एग्जिस्टिंग नॉर्म्स और एस्थेटिक्स की बाउंड्री को एक्सपेंड करना क्लासिक अपैरल मेड इन अ स्टाइल दैट कंटिन्यूज टू बी फैशनेबल ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम एंड देट मी रिटर्न एज हाई फैशन एट रेगुलर इंटरवेल्स वेन रिवाइव्ड क्लासिक फैशीन द बेसिक लाइन ऑफ ओरिजिनल स्टाइल बट आर समाइम्स अल्टर्ड इन माइनर डिटेल्स क्लासिक ऐसी स्टाइल से बने हुए गार्मेंट्स हैं जो लंबे समय तक फैशनेबल बने रहते हैं और रेगुलर इंटरवल के बाद हाई फैशन के रूप में वापस आते हैं क्लासिक फैशन बेसिकली सेम ही रहते हैं पर कभी कभी स्लाइट अल्ट्रेशन हो सकते हैं क्लासिक कभी आउटडेटेड नहीं होता है सिंपल डिज़ाइंस होती है दे नेवर गो आउट ऑफ फ़ैशन एग्जांपल के लिए ब्लेजर्स हैं जीन्स हैं साड़ीज़ हैं फैड शॉर्ट लिव्ड फैशन दैट बिकम्स सडनली एक्सट्रीमली पॉपुलर एंड फेड्स क्विकली फैड शॉर्ट लिव्ड फ़ैशन होता है जो अचानक से बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो जाता है और जल्दी ख़त्म हो जाता है इट बिकम्स पॉपुलर फास्ट एंड डाइज आउट क्विकली ये टेम्प्रेरी होता है इसे हम पासिंग फैशन भी कह सकते हैं यूजुअली इसमें एक्सट्रीम स्टाइल्स होती हैं ब्राइट कलर्स होते हैं लार्ज एसेसरीज होती हैं ऑट कटर ऑट कटर रेफर्स टू द क्रिएशन ऑफ एक्सक्लूसिव कस्टम फिटेड क्लोथिंग ये एक फ्रेंच टर्म है जिसका मतलब होता है हाई स्विंग या हाई ड्रेस मेकिंग और इट रेफर्स टू द क्रिएशन ऑफ एक्सक्लूसिव कस्टम फिटेड क्लोदिंग ये स्पेसिफिक कस्टमर के लिए बनाया जाता है ये आमतौर पर हाई क्वालिटी और एक्सपेंसिव फैब्रिक से बनाया जाता है ऑट कुटर को हम हाई एंड फैशन भी कह सकते हैं प्रिटर ऑटर रिफर्स टू रेडी टू वियर क्लोदिंग डिराइव फ्रॉम द कुटर लाइन और कलेक्शन ऑफ ईच डिज़ाइनर ये एक फ्रेंच टर्म है जिसका मतलब होता है रेडी टू वियर क्लोथ्स ये गारमेंट्स मल्टीपल साइज में होते हैं इनकी वाइडर कलर ऑप्शंस होती हैं अफोर्डेबल प्राइस में अवेलेबल होते हैं दे आर मैनुफैक्चर्ड विथ हाई क्वालिटी स्टैंडर्ड्स विथ सेम एस्थेटिक्स अ कलेक्शन ऑल्सो कॉल्ड अ रेंज और लाइन रिफर्स टू अ वेल डिफाइंड एंड डिलीजेंटली एडिटेड ग्रुप ऑफ क्लोदिंग और प्रोडक्ट्स फॉर अ स्पेसिफिक सीजन फैशन कलेक्शन का मतलब होता है किसी पर्टिकुलर सीजन के लिए प्रोड्यूस किए गए क्लोथ्स या अनिवार्य रूप से ऐसे आउटफिट्स और अलग अलग गार्मेंट्स का सेलेक्शन होता है जिन्हें फैशन डिजाइनर अपकमिंग सीजन के लिए एक साथ रखते हैं नॉक ऑफ अ क्लोज रिसेंबलेंस और रिप्रोडक्शन ऑफ अ डिज़ाइनर्स लुक बाय अनादर डिज़ाइनर और कंपनी यूजअली यूजिंग रिलेटिवली चीपर मटीरियल एंड लोअर प्रोडक्शन कॉस्ट इज कॉल्ड अ नॉक ऑफ नॉक ऑफ को हम गारमेंट्स की लोअर प्राइस कॉपीज भी कह सकते हैं किसी अन्य डिज़ाइनर या कंपनी द्वारा आमतौर पर रिलेटिवली चीपर मटेरियल और लोअर प्रोडक्शन कॉस्ट का उपयोग करके एक डिज़ाइनर की लुक जैसा लुक क्रिएट करना नॉक ऑफ होता है ये ज़्यादा क्वांटिटी में कम कीमत वाले मटेरियल से बने होते हैं आई होप फ्रेंड्स आपको ये वीडियो पसंद आया होगा स्टे ट्यून्ड फॉर माई नेक्स्ट वीडियो एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब लाइक शेयर एंड कमेंट